हाय, मैं हूं सुप्रीत और आप देख रहे हैं बिग स्टोरी, जिसमें आज हम बात करेंगे बच्चों के लिए बन रही फिल्मों पर। आज हम आपको मिलवाएंगे देसी हरी पुत्र से। हमारे साथ आज स्टूडियो में है देसी हरी पुत्र ज़ैन खान। हेलो ज़ैन, वेलकम टू द शो। अच्छा, पहले हमें बताइए, व्हाट्स हरी पुत्र ऑल अबाउट? क्या है हरी पुत्र का ये कैरेक्टर? हरी पुत्र इज ऑल अबाउट मी। स्कूल को कैसे मैनेज करते हो इतनी सारी एक्टिंग के बीच में, एंड यू नो यू आर फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट एंड दैट, तो कैसे बैलेंस कैसे रखते हो? पहले मैं आई यूज टू कैरी लाइक यू नो PSP और खाली बुक्स में एग्जाम्स के टाइम पे कैरी करता था, एंड माय मॉम यूज टू कम अलोंग विद मी। बट नाउ लाइक आई एम इन द 10th, सो अभी तो PSP कम कैरी करता हूँ, बुक्स ज़्यादा कैरी करता हूँ। इट्स लाइक यू नो PSP इज लाइक 1 day एंड बुक्स इज लाइक 10 days और 20 days। खाली बैठ के पढ़ाई करो करो करो, सेट पे फुल हेडेक। ये बताइए कि जनरली अभी हम देख रहे हैं कि जो चाइल्ड मूवीज हैं, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं दैट मे बी देर इम्पोर्टेंट इन द इंडस्ट्री, बट आपको क्या लगता है, उन लोगों को चिल्ड्रन फिल्म फॉर चिल्ड्रन बनानी चाहिए, एंड अभी बनाने भी लगे हैं, एंड एक तो यही है पहली हरी पुत्र और कॉमेडी ऑफ टेरर्स। तो ज़ैन प्रेफर करते हैं चिल्ड्रंस फिल्म फॉर चिल्ड्रन। वैसे बॉलीवुड में बच्चों की फिल्मों को लेकर जो वैक्यूम था वो अब भरने लगा है, और अब नन्हे दर्शकों को ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जा रही हैं। यानी वो वक्त आ गया है जब फिल्म के सोलो हीरो होंगे चाइल्ड आर्टिस्ट, ठीक ज़ैन की तरह। बॉलीवुड में चिल्ड्रन बेस्ड फिल्में पहले भी बनती रही हैं। रंगीला गर्ल उर्मिला ने मासूम में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। फिल्म की कहानी दो बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। लाल बहन ने आपके हैप्पी बर्थडे के लिए बनाया। मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर और श्रीदेवी लीड रोल में थे, लेकिन उनकी लव स्टोरी के बीच नटखट बच्चों को नहीं भुलाया जा सकता। बॉलीवुड में चिल्ड्रन फिल्म्स तो बनती रहीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस की मजबूरियों के चलते किसी ना किसी लीड एक्टर को इसमें शामिल किया जाता रहा। और देसी हरी पुत्र से बातें जारी रहेंगी, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद।